ये मेरे पास बॉस का एक 16 kg का ब्रेकर मशीन है, GSH 16-30, और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। ये कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ मशीन नहीं है, बॉस के एक ऑथराइज डीलर के पास से लिया मशीन है। और मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ, जैसे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, GSH 16-30, 16 kg का मशीन है ये ब्रेकर मशीन। और ये 41 J का है, यानी बहुत ही पावरफुल है और इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है। और इसके साथ एक ये कुछ डिटेल लिखा हुआ, जैसे ये 750 W का मशीन है, 1300 bps है, वाइब्रेशन कंट्रोल है और हैक्स चीजल लगता है। और इसमें एक पॉइंटेड चीजल ये एक्स्ट्रा आता है, और ये सेल्फ शार्पनिंग चीजल है। जो आप चीजल का डिज़ाइन देख रहे हैं वो क्या है कि चीजल का शेप वैसा ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार सीधा कर लेता हूँ। तो अब इसको एक बार ठीक से घुमा लेते हैं, अभी भी ये उल्टा दिख रहा है। मैं एक बार कैमरा जिनको दिया था पकड़ने के लिए वो थोड़ा सा घुमा लेते हैं, तो फिर देखते हैं। यस, हाँ, यहाँ पे जैसे इसका देख सकते हैं, ये पार्ट नंबर लिखा हुआ ऊपर, और ये 1,12,790 इसका MRP। ऑब्वियसली MRP से प्राइजेस बहुत कम होता है, इसमें ऐसे ही MRP लिखा हुआ है। और इस मशीन को अभी हम खोलेंगे, जो मेन चीज़ है, और इसको ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है, और ये एक बॉक्स में आता है, बहुत ही पावर अच्छा बॉक्स है ये, और साथ में व्हील भी लगा हुआ है। इसके साथ एक बुकलेट आता है, जो यूजर मैनुअल सब कुछ डिटेल इसके अंदर रहेगा, साथ में वारंटी कार्ड है, और इसको रखने की जगह वहाँ पे है। और ये जो क्लॉथ आप बगल में मैं अभी उठाऊँगा, इसको भी रखने की जगह वही है, और साथ में ये चीजल दिया हुआ है। ये क्लॉथ इसलिए दिया हुआ है कि जब आप ग्रीस लगाते हैं या चीजल साफ़ करना होता है या मशीन को साफ़ करना होता है, ये जो ग्रीस है, ये ग्रीस आपके इसके पीछे लगा के उसको मशीन में फिट कर सकते हैं। ये कपड़ा साफ़ करने के लिए दिया है, जब भी यूज़ के बाद आप इसको अगर साफ़ करना हो तो साफ़ करके रखेंगे, क्योंकि साफ़ करने से क्या होता है कि मशीन की ड्यूरेबिलिटी, लाइफ, ये सब बढ़ जाता है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक से बाहर निकाल लेता हूँ। ये काफ़ी हैवी मशीन है जी, सच। ये देखिए इसका हैंडल इस तरीके से, ये वाइब्रेशन कंट्रोल है, और इसमें खास ऐसा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। एक तो अच्छा, इसके ऊपर एक बार कोड है, वो बार कोड क्या है कि इसको आप स्कैन करने से आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है कि नहीं है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है बार कोड का। और ये ऑन ऑफ स्विच है इसका, और इसमें जो वाइब्रेशन कंट्रोल है, और बार कोड के लिए एक बी कनेक्ट करके ऐप है। उस बी कनेक्ट ऐप से क्या होगा कि आप इसका जो अपलोड कर सकते हैं इसका इनवॉइस, और अगर इनवॉइस कॉपी खो जाता है, वारंटी कार्ड खो जाता है, फिर भी वारंटी ले सकते हैं। तो एक अच्छा फीचर है। वी कनेक्ट पे मैं अकेले एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये देखिए 16 kg का मशीन है, ये हैंडल है उसका, पकड़ सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये वाइब्रेशन कंट्रोल हैंडल है। जब ये चलेगा तो हाथ में ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन नहीं आएगा, ठीक है, थकावट कम होगी। अब मैं एक बार ये चीज़ें लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। इसका चीज़ें लगाना भी थोड़ा यूनिक है। देखिए इस चीज़ें को मैं फिट करता हूँ किस तरीके से, ये हो गया। और इसको मैं इसे पीछे की तरफ खोल के, देखिए इसको लॉक कर दिया मैंने, और ये लग गया है। और इसको एक बार ही देखता हूँ कैसा दिखता है जब ये चलाते हैं बिल्कुल हम सीधा करके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।